हेलो फ्रेंड्स, साई रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं तिल के लड्डू और तिल रोल बिना गैस जलाए। और ना ही हमें इसमें मावा डालेंगे और ना ही इसमें हमें बूरा की ज़रूरत है, ना गुड़ की और ना ही हमें चाशनी बनाने की। और सबसे अच्छी बात कि हम इसको बगैर गैस जलाए बनाएंगे, हमें गैस जलाने की भी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं किचन में फ्रेंड्स और बनाते हैं हम टेस्टी तिल के लड्डू और तिल रोल। मकर संक्रांत और लोहड़ी आ रही है तो इसके लिए हम बनाते हैं लड्डू और रोल। तो आइए चलते हैं किचन में और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए मैंने एक कटोरी तिल लिए हुए हैं सफ़ेद वाले, आधा कटोरी मिल्क पाउडर, आधा कटोरी चीनी ली है और आधा ही कटोरी मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, यानी कि गरी का बुरादा। और अब हम इसको ग्राइंड जार में डाल के पीस लेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने चीनी डाली है और अब हम इसमें तिल डालेंगे और 2 चम्मच के आसपास तिल हम बचा लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी कोकोनट पाउडर और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी ही मिल्क पाउडर। और इन तीनों चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, फाइन पाउडर हमारा पीस के तैयार हो गया है और अब हम इसको एक थाली में निकाल लेते हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं और बगैर झंझट के, और ना ही ये ख़राब होने का आपको डर रहेगा कि ये लड्डू बिगड़ जाएंगे। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 3 छोटे चम्मच देसी घी। अगर आप देसी घी पसंद नहीं करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही आप इसमें ठंडा दूध 4 छोटी चम्मच डाल दीजिए। 2 छोटे चम्मच मैंने पिस्ता लिया है और 1 छोटी चम्मच कोकोनट पाउडर। ड्राई फ्रूट आप जो पसंद करें वो आप डाल सकते हैं इसमें। और हम मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसका रोल बनाएंगे। 2 भागों में मैं इसको डिवाइड कर दूंगी, तो एक भाग से मैं रोल बनाऊंगी और एक भाग से मैं लड्डू बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हमें मेहनत नहीं लगी और ना ही लड्डू बिगड़ने का झंझट है, ना रोल। और रोल बनाने में हमें कोई ना तो फॉइल पेपर की ज़रूरत है ना कुछ भी, बहुत ही आसानी से ये रोल बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको हाथों से हल्के हाथ से मसलते हुए लंबे साइज में रोल बना लेने हैं इस तरीके से। ये फ्रेंड्स, तिल लड्डू और रोल बहुत ही नरम बन के तैयार होते हैं और बहुत ही इनका अच्छा टेस्ट रहता है। तो ये देखिए, रोल हमारे बन के तैयार हो चुका है और जो हमने वो तिली 2 छोटे चम्मच बचा के रखी थी, अब वो हम इसमें ऊपर से कोट कर देंगे। तो ये देखिए, कोकोनट और तिल वैसे ही ऑयल छोड़ते हैं, तो देखिए कैसे बिल्कुल घी जैसा लग रहा है, जैसे ऑयल अपना तिल छोड़ रही है। तो ऊपर से हम तिल की कोट कर देंगे और ये देखिए, रोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो हम इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देंगे और अब जो बाकी का पोर्शन बचा है इसके हम लड्डू बना लेंगे। तो पहले अभी हम इसको छोटे छोटे से बॉल्स बना के अलग भागों में कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके गोल लड्डू बना सकते हैं, चाहें तो आप इसकी बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, बर्फ़ी पीस में भी कट जाएंगे, और चाहें आप इसे तो इनके चमचम भी बना सकते हैं, यानी कि लंबे स्लाइस में जो रोल हमने बनाया है उसी में आप छोटे छोटे इसके पोर्शन बना सकते हैं। तो ये चमचम भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इससे आप जो आपका मन करे आप उस हिसाब से इनमें सेप दे सकते हैं और बहुत ही ये इजी है इनको बनाना। तो ये देखिए, हमारे लड्डू भी बन के तैयार हो चुके हैं। अब इनको भी हम थोड़ा सा तिल में कोट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कम समय में कम मेहनत में हमने बहुत ही जल्दी चीज़ें बना ली। तो बाकी की जो बची हुई तिली थी वो भी हम इस लड्डू में कोट करके और बस इनकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, तिल लड्डू और रोल हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। अब मैं रोल को आपको कट करके बताती हूँ। बहुत ही इजीली ये रोल कट के तैयार हो जाता है और ना ही इसे हमें घंटों फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ 1/2 घंटे के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखिए और ये देखिए, हमारा तिल रोल कट के तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे इसका टेक्सचर है और टेस्ट तो इतना गजब का है कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और देखिए कितनी सॉफ्ट और नरम है, ये बहुत ही आसानी से टूट जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक और रेसिपी के साथ। बाय बाय। साई रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे खाना बनाइए। थैंक यू।